गांधी जी इस विषय से बहुत दूरदर्शी थे और उन्हें भारत की वास्तविक समझ थी। आपने देखा होगा जब वे ग्राम स्वराज की बात करते हैं, ग्राम स्वराज क्या, वहां मनुष्य ही नहीं, गांव अपने आप में आत्मनिर्भर था। गांव में सभी लोग परस्पर मिलकर के रहते थे, वे भाव और भंगिमाओं से राष्ट्रीयता के साथ जुड़े थे, लेकिन सरकारों पर उनकी निर्भरता लगभग जीरो थी। वे स्वयं अपनी व्यवस्था, अपनी खेती बाड़ी, अपने पशुपालन, अपने स्वयं की आजीविका का सृजन करते थे, व्यापार संचालन करते थे, गवर्नमेंट को समय पे अपना टैक्स भी दे देते थे और गांव की पूरी व्यवस्था को अपने आप ही संचालित करते थे। गांव की सड़कों को ग्राम पंचायत स्वयं बनाती थी और गांव के कूड़े प्रबंधन के लिए हर गांव में एक खाद का गड्ढा भी होता था, पशुपालन के लिए चरागाह भी होता था, गांव का अपना बगीचा होता था, गांव के अपने तालाब होते थे, इन सब का अपना महत्व था।